हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए वापस एक और नए वीडियो में, और इस बार हम टेम करने वाले हैं गिगंटोसोरस को। तो इसके लिए सैडल के लिए ब्लूप्रिंट तो है, और आपको डायनासोर गेट बनने पड़ेंगे वो मेटल वाले। तो पहले वो ब्लूप्रिंट ढूंढ लेते हैं कहाँ गई वो। तो जिसमें सबसे कम मेटल इंगोट लगते थे वो, तो वही वाला हम यूज़ करने वाले, क्योंकि मेटल की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास। कोई एडमिन कंसोल है नहीं कि सब रिसोर्स हम कलेक्ट कर पाए, तो इसलिए ये हमें स्ट्रॉन्ग केव से मिल गई थी। और ये सब में देखो सबसे ज़्यादा मेटल लगता है, इससे भी ज़्यादा। और इसके अंदर भी है थोड़े, इतने में तो सेडल बन जाएगा, पर गेट के लिए अभी चाहिए होगा थोड़ा। देखेंगे गेट के लिए कितने लगते हैं। ये देखो ये तो बन जाएगा। अब वो गेट का अनलॉक करना पड़ेगा शायद हमको, ब्लूप्रिंट भी नहीं मिली हुई हमें, तो उसका एंग्राम अनलॉक करना पड़ेगा मेटल गेट वाला। तो ये रहा 52 लेवल पे खुलता है, और हम गेट नहीं बनाएंगे, सिर्फ वो बाहर वाला होता है वो गेट फ्रेम, सिर्फ वो ही बनाएंगे, उसकी ही जरूरत है। वो गीगा के लिए यही एक बेस्ट ट्रैप होता है। दूसरा भी एक ट्रैप होता है, वो क्या बोलते हैं वो मेटल का वो बोर्ड आता है ना जो नेम साइन वाला, उससे हम ट्रैप कर सकते हैं, पर उसमें बहुत वो दिक्कत हो जाती है, कई बार निकल जाता है बाहर उससे। तो अभी इतने मेटल से तो काम नहीं चलेगा, तो कुछ चीज़ें हमें ग्राइंड करनी पड़ेगी इसमें से। तो हमने वो जितने भी वो काम की चीज़ें नहीं थी वो ग्राइंड कर दिया ग्राइंडर में, तो थोड़े मेटल मिल गए थे हमको। और वो क्या बोलते हैं वो रिवाइविंग प्लेटफॉर्म होता है ना, उसको भी लगा के तोड़ा था हमने। वो आर्टिफैक्ट में से मिलता था ना वो, तो उससे 200 जितने मेटल तो मिल जाते हैं, तो इतने में तो काम चल जाएगा। और चलते हैं सीधे वो उस तरफ जहाँ पे वो क्या वो माउंटेन है ना वोल्केनो, और हाँ साथ में आपको नारकोटिक्स भी बहुत सारे लेनी पड़ेगी। भाई ये कहाँ बीच में आ रहे हैं। और पहले ड्रॉप लूटेंगे हम, क्योंकि इधर हमारे घर के बाहर ही आए हैं, तो देखेंगे क्या है इसके अंदर। फिलहाल तो सामान तो बेकार सा ही था, पर हमको वो मिल गया, क्या बोलते हैं, 3 3 एम्बर मिल गए हमको। और ये वो मेगा पिराना भी अटैक कर रही थी, तो अभी उसको छोड़ते हैं, पहले चलते हैं अभी तो तुरंत उधर ही, अंधेरा भी बहुत होने वाला है। तो गाइस इधर पहुंच गए हम वोल्केनो पर, और ये देखो ये जैसे ही पहुंचे और रात ही पड़ने आ गई। और इधर यूनिकॉर्न ट्रैप करके रखा है, देखो ये रहा। अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो इधर लाके आप रख सकते हो इसको, पर उसके बाद आपको टाइडी सेव नहीं करना पड़ेगा। अगर टाइडी सेव किया तो वो चला जाएगा, अगर टाइडी सेव करना भी है ना आपको, तो वो दिख जाए ना इसके उसके पास रह के टाइडी सेव करना, ताकि वो वही का वही रहेगा और बाकी के डायनो गायब हो जाएंगे, वाइल्ड वाले डायनो। तो इस साइड था गीगा, ये देखो ये रहा। और इसको ट्रैप करने में दिक्कत ये है कि ये बहुत सारा मूव कर जाता है, ये हर थोड़े थोड़े सेकंड पे मूव करता रहेगा, देखना अब।
तो इधर तो नहीं लगा सकते, पत्थर के ऊपर खड़ा है ये देखो, वापस मुड़ा। और ये के पता नहीं क्या ग्लिच है, अभी तक फिक्स नहीं किया आर्क वालों ने इसको। वो वाइल्ड जब होता है ना तो ये चलता है ना, तो बिना ये पैर हिलाए चलता है, मतलब सीधा मूव करे जाता है। ये देखो ये पता नहीं क्या है, इसको दिक्कत है, ऐसे बस मूव करता रहता है ऐसे। ये वापस आगे गया और हम अटैक इस वो इसलिए नहीं कर रहा है हमारे ऊपर क्योंकि हम डायनो पे माउंट है, इसलिए अगर हम जैसे ही इसके ऊपर से उतरेंगे ना तो पूरा खा जाएगा हमको, आर्मर बार्मर सब तोड़ देगा हमारा। तो अभी वेट करते, सुबह होने के बाद टेम करेंगे। तो सुबह हो गई है, अभी भी थोड़ा सा अंधेरा है, अंधेरा ही है। किधर गया बे वापस? अच्छा ये रहा, ये देखो किधर खड़ा है। ये किधर देख रहा है? उस साइड को आरजी को देख रहा होगा वो। नहीं, निकलना नहीं, निकलना नहीं, बहुत सारा मीट किला होगा, निकलना मत। अरे भाई वापस चला गए। और इधर ड्रॉप भी आया है, तो अभी दोबारा से ट्राई करेंगे ट्रैप करने का। जैसे ही नज़दीक आए साला मूव होने लगता है। इसके पहले ही अंधा हो जाता है, जैसे ही डायनो पे से उतरेगा ना तो अटैक करने लगता है। अभी हम उसको दिख ही नहीं रहे, या तो नाटक कर रहा है साला। ये देखो फंस गए हम इधर। अरे भाई ये पत्थर भी कितनी जगह ये लोगों ने स्पॉन किए रखे। इधर कौन हार्वेस्ट करने आता होगा वो स्टोन? तो इधर भी स्टोन रख देते हैं ये आर्क वाले। अरे देखो कितना बड़ा पत्थर है, इसकी वजह से हम ये गेट भी नहीं लगा पा रहे। जब हम ग्रिपिन लेकर आए होते हैं ना तो इसको तोड़ सकते थे ये पत्थर को, पर उसमें भी एक दिक्कत रहती क्योंकि गलती से इसको भी लग जाता तो ये भी डैमेज कर देता, हमारे डायनो को ही मार देता। वो ग्रिपिन के वैसे भी 1000 HP है और ये डैमेज भी इतना ही करता है, 500 या 1000 जितना। नहीं 500 जितना डैमेज करता है, 1000 तो वो टाइटन हो तो बस करते हैं। ये देखो वाह भाई, पूरी मेहनत पानी में हमारी। अब दोबारा से ये गेट को तोड़ के आरजी के इन्वेंटरी में डाल के बनाना पड़ेगा। तो गेट को वापस बना लिया है, पर उधर वो साला देखे नहीं इसलिए हम ड्रॉप रूट नहीं आए इधर। अगर देखे नहीं तो अच्छा है वो, वरना ऊपर आ जाएगा अटैक। अरे भाई कुछ तो अच्छा दे देते ड्रॉप में से, पर्पल कलर का ड्रॉप है। मैं सोच रहा हूँ इधर ही ट्रैप लगा दूँ और उसे एग्रो करा के बुला दूँ हमारी तरफ। ये देखो एक इस तरीके से लगाना है ट्रैप। अभी तो 3 गेट ही लगाने हैं आपको, चौथा वाला वो फंस जाए ना वो बियर ट्रैप में तब आपको लगाना।
आरजे को भी पता नहीं क्या दिक्कत है, जब थोड़ा मूव करना होता है तब ज्यादा मूव कर जाती है। सो गया। अब इधर बॉ ट्रैप लगा देते हैं, बियर ट्रैप। तो आरजे को इसके अंदर फंसना है लगता है, इसके ऊपर ही खड़े रहते हैं। अब देखो, अब उतरेगा ना तो सीधा एग्रो हो जाएगा हमारे ऊपर। पहले भागने के लिए थोड़ी जगह बन जाए, ऐसा करते ताकि हम इजी माउंट हो पाए आरजे पर। आजा आजा मुन्ना, इधर आ। आ गया आ गया। बस जा इसके अंदर फंस गया। अरे भाई फंसा नहीं है। और अब हमारे प्लेयर का भी क्या चल रहा है? नहीं नहीं भाई, मुड़ मत मुड़ मत भाई, गए। ये बियर जब नहीं फंसा और सीधा हमारे ऊपर अटैक करने लग गए। अभी गेट को डैमेज करने जा रहे हैं, तो वो नहीं तोड़ पाएगा पूरी जिंदगी भी, क्योंकि मेटल को ये डैमेज ही नहीं कर पा रहा। तभी तो हमने ये ट्रैप बनाया है। इधर से मार के देखते क्या। ये गेट के अंदर से निकल के खड़ा है ऐसा, देखो ये वो वाले गेट से भी बाहर आके अटैक कर रहा है, ये वाले गेट। पर हमारे हेल्थ को पूरे लाल कर दिए। ये बियर ट्रैप भी हमने गलत लगा दिए थे, थोड़े से पीछे लगाने ताकि वो फंस जाए। अगर वो फंस गया होता ना तो आराम से हम ट्रैप कर लेते हैं। तो अभी मार ले फटाफट, उसको बहुत एरोज लगते हैं मारने के लिए। इसलिए हम वो टॉक्सिकन एरो भी लेकर आए। ये देखो अभी तो सिर्फ 8000 जितना टॉर पर चढ़े, तो पहले सारे के सारे टॉक्सिकन इस पर यूज कर देते हैं, फिर वो वाले ट्रंक के रोज मारेंगे इसके बाद। तो भाई थोड़े कम पड़ रहे थे तो हमने वो बनाने के लिए भी रख दिए। और अभी ये देखो आधा हो गया इसका। अभी बस ये दिक्कत ये है कि ये बाहर निकल के भाग ना जाए, क्योंकि इसका भी वो टॉर पर बहुत लो ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब तो भागने लगता है। मुझे पता नहीं सर पे इसको कुछ इफेक्ट होता है या नहीं, पर फिर भी हम ट्राई करेंगे मारने का। और 45,000 के ऊपर चढ़ गया इसका टॉर पर। वाह वाह, अब देखो कैसे भाग रहा है साला। ये घुसा था कैसे और बाहर कितनी जल्दी निकल गया है। पहले तो ऐसा लगा था कि निकल ही नहीं पाएगा इस ट्रैप में से। अभी उस तरफ भाग जाएगा ही, तो उधर ही जाना पड़ेगा हमको। अभी अंधा हो गया ये फिर से, पहले हमसे डर के भाग रहा था और अभी जैसे ये नज़दीक आए तो अंधा हो गया पूरा। अभी बस एग्रो ना हो जाए हमारे। मर गए भाई, गए। फिर से रिस्टोर करना पड़ेगा गेम को। हाँ मार दे पूरा मार दे।
और ये दोबारा रिस्टोर करके आ गए हम गेम को। तो एक बार और ट्रैप करते हैं इसको, जहाँ पहले खड़ा था ना वहीं पे ही ये खड़ा है। तो भाई इस बार हमने उसी जगह पे ट्रैप कर दिया है इसको। वो ट्रैप लग जा रही थी तो अभी ट्रैप कर दिया, अभी पता नहीं निकलेगा तो नहीं ना, क्योंकि पीछे वाला जो गेट है ना वो थोड़ा सा नीचे की साइड लग गया है। और इस बार भी हम उसी स्टेज पे आ गए, 42,000 के ऊपर चला गया इसमें। अभी बस निकलने ना पाए। नहीं नहीं भाई, मत मुँह कर मत मुँह कर, बस आराम से निकल गया देखो। तो भाई पहले ही निकल जाता अगर निकलना होता तो, वैसे ही टाइम वो वेस्ट कर दिया हमारा। वे दोबारा से जाते हैं पास में, अगर भाग गए तो ठीक वरना मर जाएगी जैसे पिछली बार ही मरे थे वैसे ही। और इसका टॉर पर देखो कितना जल्दी लो हो रहा है। तो आ गया, वापस आ गया अटैक करने साला। अभी इस बार हमने ग्रिफिन को भी इधर टेलीपोर्ट करवा दिया था, और इस बार थोड़े ज़्यादा वो एरोस लेकर आए। और अब तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको कहीं दूर ले जाऊँ नीचे के साइड, और नीचे कहीं दूसरी जगह होता है वहाँ पे ट्रैप करूँ उसको, क्योंकि इधर तो पत्थर बहुत नड़ते हैं। तो इसको मार के इधर ले चलते, चला जा जा बेटा। आ रहा है कि फंस गया कहीं, फंस गया तो पता नहीं किसको मार रहा है, क्या डिमॉर्फोन को मार रहा है वो, क्या बोलते हैं इसको, डिमॉर्फोन वो नहीं बोलते इसको। अभी आरजे के पीछे भागेगा। तो भाई इधर आना भाई, हमारे आरजे का लेवल ज़्यादा है। उधर कहाँ आज सब कर रहे हैं। तो अभी वेट करते थोड़ा सा शांत हो जाने से। तो वो इधर नीचे के साइड ही है देखो, ये वो रात कैसे घूर रहा है हमको। हाँ चला जा उस साइड चला जा। अभी इस साइड लगाना पड़ेगा ट्रैप थोड़ा। ये बहुत सारे जगह है इधर, और वो वाला गेट भी पीछे लग गया। तो दोबारा से एक ट्रिक लगा दें। अगर हमने थोड़ा एक गेट और एक ज़्यादा गेट बना लिया होता तो अच्छा होता है। अटक गया सर, किसी को मार रहा है। खाना भाई इधर आ, क्या दिक्कत है तेरे को, डर काई को रहा है। कर दिया बाइट करा हमको। हाँ चल ऊपर है ऊपर। इसको पता नहीं क्यों वो छोटे दाइनों में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको इधर आए नहीं हमारे पास। इधर से शायद नहीं चढ़ पाएगा, दूसरी साइड से ट्राई करते हैं। तो भाई इस बार हमने इसको बकरा बनाया है, इसके पीछे हम एग्रो करवाए गए, और हमारे हेल्थ देखो पूरी लाल कर दी इसने आरजे की।
ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहा साला। खा गया क्या दे? खिलाता जब मुन्ना इस साइड। हम वो पिछली बार कहाँ पे थे और किस साइड चला गया था? देखो ये वापस भाग रहा है। ये बेचारा पैरासोर भी सोच रहा होगा मुझे क्यों तोड़ा। पर हम को ऐसा ही करना पड़ेगा तभी वो आएगा। अभी ये वाला गेट इधर लगा देते और वो तोड़ देते। हम आरजी को इसीलिए लेकर आए ताकि ये गेट खोले तो इसके अंदर बना सके हम दूसरा। ये देखो सीधे इस तरीके से। फिर वापस बुलाते हैं उसको। किधर गया वो? ये रहा। इसको ले चलते और एग्रो कराते हैं हमारे पीछे। ये देखो पैरासोर की मुंडी कैसे देख रहा है। एग्रो हो गया है। भाई उसको खा लिया उसने पैरा तोड़ने पर। अभी तक ट्रैप नहीं हुआ उसके अंदर। तो कोने में से जाकर निकल गया साला। बहुत चालाक है ये। वो देखो बियर ट्रैप वैसे की वैसे ही है। तो इस बार हम खुद उतर गए। हम स्वयं अपन उतरे अब नीचे और एग्रो करा दे इसको पीछे। आ जा भाई। कैसे देख रहा है? देखो डर गया साला। भाग गया भाई ये तो डर के मारे। रुको है भागता किधर है बे? वापस आ रहा था पर दोबारा भाग गया। किसी के पीछे एग्रो हो गया है। यहाँ पे मुन्ना। हाँ बस आ जा। आ रहा है ना? नहीं वापस चला गया था। नहीं आ रहा है। ये देखो वापस चला गया उधर। आधे रास्ते मुड़ा था हमारे पीछे और वापस किसी डायनो के पीछे लग गया वो। हमको एकदम पास जाकर ही उसको बुलाना पड़ेगा इधर ही तभी मानेगा। आ गया भाई। लग गई हमारी लग गई। किस फील्ड आ रहा है क्या? अरे भाई वापस नहीं मुड़ना चाहिए था। भागते रहना चाहिए। और इधर देखो हम अटक गए भाई। गए पूरा लाल कर दिया सब कुछ छोड़ दिया हम। तो अभी ये चौथा अटेम्प्ट है हमारा। तो इस बार थोड़ा वो बाहर के साइड हम लेकर आए। उस साइड भी हमको दिक्कत आ गई थी। तो दोबारा से हम ट्रैप लगाते हैं। इस साइड हम थोड़ा ये ग्राउंड वाला इलाका होता है ना जहाँ पेड़ पत्थर सब कम होते हैं उस साइड हम लेकर आए उसको। पहला ट्रैप लगा देता है फिर आपको दिखाता हूँ किस साइड है। और यहाँ पे वो वाले पैरासोर का भाई है। ये देखो 130 लेवल का है और ये 15 वाला है। इसको भगा दिया क्योंकि वो डिस्टर्ब ना करे उसको बीच में इसलिए। ये देखो इस बार इस साइड हमने बुला के रखा है। और ये मच्छर भी पता नहीं ये भी दिक्कत कर रहे हैं। उसका कॉन्फिडेंस देख रहा है और ये मच्छर आ रहा है उसका। ये हम गीगा टेम करने जा रहे हैं और वो हमको मारने आ रहे हैं।
क्या उधर कहाँ जा रहा है? आजा आजा वापस आ जा, तेरे लिए एक और पैराशूट लेकर आए हैं। अरे भाई मुड़ता क्यों है ये? वापस मुड़ जा रहे, सीधा सीधा नहीं आ सकता क्या? बस फंस जाए इसके अंदर भाई, दोबारा दोबारा किसी के पीछे लग गया दूसरी बार। कभी आ रहा है देखो पीछे, अब पता है ना कि इस साइड हम नहीं इसको ट्रैप कर पाए, फिर दोबारा से यू टर्न लेना पड़ेगा। बाइट किया पैरासोर को, बाइट किया इसने। और ये देखो थेरे भी इधर आ रहा है साथ। पहले ये थेरे के बैंड बजाते हैं, उसको मच्छर को भी मारते हैं। तो दोनों को निपटा दिया है, वो मच्छर को भी और थेरे को भी। अब दोबारा एग्रो कराते हैं हमारे पीछे। अरे भाई देख क्या रहा है, आना भाई बाइट कर इसको। वाह भाई हम ऐसे ही चले आते, और वो साला आते से रास्ते मुड़ गया दूसरे को मारने के लिए। और ये दूसरे स्पॉन हुए क्या? वे पूरे गैंग लेकर आते हैं क्या ये मच्छर लोग? अब देखो अब साला पीछे आ गए, जहाँ पर उसको आना नहीं चाहिए था तो वहाँ आता नहीं। अभी दूसरे किसी को बकरा बनाना पड़ेगा। तो भाई इस बार हमने इसको बकरा बनाया इग्वानोडोन को। इसकी शक्ल देखो कैसे दिख रहा है, को सोच रहा होगा भाई मैं ही मिला तेरे को। पर ये गीगा साला ट्रैप होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने कितने डायनो की बलि चढ़ाई होगी। वापस साइड से आ गए और इसको भी लपेटे में ले लिया इसने। अभी भाई एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं फियोमिया को। ये भैंसा जैसा अच्छा है, ये काम आ जाए तो अच्छा है। पीछे से तो वो भैंस हो ऐसा दिख रहा है। अरे भाई काम आ गया, ये फंस गया। तो फटाफट से लगाते हैं ये वाला ट्रैप। डैमेज हुआ हमको कोई बात नहीं, पर अरे भाई ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये अभी तक नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि उस साइड से जगह बहुत है, वो निकल भी सकता है। अभी एग्रो करा के देखते हैं निकला निकलता है या नहीं। पहले तो डैमेज कर रहा है अभी तक। अब शुरू हो जाता है कंपाउंड बू लेकर। और इस बार इधर से ही मारेंगे ताकि भागे ना तो उस साइड भागे। तो यहाँ पे हमारी मशीन गन स्टार्ट कर दी हमने। अभी 200-300 एरो मारने पड़ेगा इसको, तब जाके इसका टॉर्पर हाई होगा। और गाइस इसका टॉर्पर बढ़ गया है और इधर से निकल भी नहीं पा रहा है, देख लो। हमें लगा था इधर से भाग जाएगा, पर अच्छी बात है कि इधर से नहीं निकल जाएगा। अगर ये माउंटेन पे हमने ट्रैप लगाया होता तो ये निकल जाता पक्का वहाँ से, और नॉक होने वाला है। थोड़े और एरोस मारते हैं इसको। वैसे तो बढ़ता ही जा रहा है टॉर्पर ही, और फाइनली हो गया ये नॉक, हो गया है अब घुटनों पे। और 42 लेवल अप हो गए। तो पहले नारकोटिक्स खिला देते हैं टॉर पर। देखो इसका हमने बहुत सारे एरोज मारे थे इसको, इसलिए अभी तक डाउन नहीं हो रहा। फिर भी इसको कभी रिस्क नहीं लेने का आपको,
खिला ही देने का नारकोटिक, क्योंकि बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है ये। ये देखो खाते खाते भी कैसी आवाज़ कर रहा है ये। और इसके लिए हमको प्राइम मीट लाने पड़ेंगे थोड़े। और इधर देखो ये अंधेरा होने वाला है। हमने जब इसके अंदर वो सुबह हुई थी तब उसको स्टार्ट किया था वो ट्रैप करने का, और रात हो के ये होने के बाद ये नॉक हुआ। अभी तक पूरी रात नहीं हुई, और इसको थोड़े एक अगर मीट और मिल जाता तो ये हो जाता वो प्राइम मीट। पर हमने जिसको मारा वो साला कंजूस निकला, वो कार्नो को मारा था। वो अगर एक रोमिट ज़्यादा दे देता तो काम बन जाता। अभी दूसरे किसी को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं वापस आया तो इसका फूड भी डाउन हो गया था। ये पता नहीं कैसा ग्लिच है, अभी दोबारा से वेट करना पड़ेगा। और फाइनली बहुत टाइम बाद ये होने वाला है अब। तो ये देखो 127 लेवल का हो गया है ये। तो इसको अभी तो न्यूट्रल ही रखेंगे, सैडल भी पहना लेते हैं और मीट भी डाल देते हैं इसके अंदर। ये ठीक ठाक डैमेज है इसका, अच्छा है 120 जितना था। मतलब इसके अंदर 120 दिखा रहा है, पर 500 के ऊपर ही करता होगा ये डैमेज। तो अभी सुबह होते ही आते ऊपर बेड है तो सो जाते हैं। तो आ गए वापस, और ग्रिफिन को भी हमको फॉलो कर दिया है हमने। तो हमने ये मीडियम वाला हमने टाइडी सेव करके स्पॉन किया था हमने, ये मीडियम लेवल वाला है, क्योंकि इसके पहले भी 10-20 लेवल का देखा था हमने। पर उसका उसको अगर टेम करते हम तो उसका डैमेज 50 और 60 के आसपास होता है। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा वेट कर लेता। और ये देखो ये सब कोई एक बाइट में मार रहा है, छोटे डायनो को तो एक ही बार में मार डालते हैं। और इसको सारे मिली में देने के डैमेज, वो मतलब डैमेज क्या बोलता हूँ मैं, वो पॉइंट। कोई भी हमसे पंगा नहीं ले सकता, हम टाइटन को भी मार देंगे। तो और इसको इसका टीममेट ढूंढ के इसको भी टेम करेंगे, उसकी ब्रीडिंग करेंगे। तो और इसको हम टेलीपोर्ट नहीं करा सकते, तो ऐसे ही ले जाना पड़ेगा इसको राइड करके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।